अगर ये बाहर ऐसे घूमती रही ना कुछ तो करके ही रहेगी। इसे ताले चाबी के पीछे होना चाहिए। तहखाने में बंद कर दो इसको। अगर इन्होंने मुझे तहखाने में बंद कर दिया तो मैं मोक्ष को इससे कैसे बचाऊंगी? अर्चना, इसे लेके जाओ। लेके जाओ। देखी चुड़ैल की चालाकी, मैंने पढ़ पाया तो भड़क गई। अगली बार किसी इंसान ने चुड़ैल को चांटा मारा है, पर कोई बात नहीं, अपने सिंदूर के लिए खा लिया। की नजरों से दूर रहेगी तभी तो आसानी से तुझे मार पाऊंगी। मुझे नहीं जाना है, मासा, रशिया दीदी, मोक्ष, तुम्हें तो सब कुछ पता है मोक्ष। तुम तो जानते हो मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। दिमाग से नहीं, अपने दिल से पूछो मोक्ष। तुम्हारा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। बस यही तो कर सकती हो तुम, गिड़गिड़ाना। आंखों में कोई शर्म तो बाकी है नहीं। अरे जो किसी के भी बिस्तर में सो सकती है उस पे भरोसा करेगा मोक्ष? कभी भी नहीं। मोक्ष भाई साहब दिया क्या पति है और दिया भाभी उनकी पहली पत्नी। मैंने तो क्यों की शादी? बिजू, जी रुक जा। बिजू, बस इसी की कमी रह गई थी। दिया ने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है इसको। बकवास करता था हमेशा। लेकिन तो आजको मत करो, ऐसे गलत हो जाएगा। बीजू मत करो, मत चल यहाँ से, मत करो। अच्छा, लेकिन तो आज जी चलो। बड़े पापा, मैं जानती हूँ कि दिया ने हाथ उठाया, पर मोक्ष भाई साहब आप जानते हो ना कि निशिगंधा ने क्या कुछ नहीं बोला दिया को और उसके बाबा को। इस जगह अगर बड़े पापा को कोई कुछ कहता तो आप क्या करते? मोक्ष भाई साहब प्लीज, दिया को बंद मत होने दो, उसका कोई नहीं आपके सिवा। जुही, मैं मानता हूं निशिगंधा ने जो किया गलत किया, लेकिन जो दिया कर रही है वे कुछ ठीक नहीं कर रही। इसलिए सही गलत का फैसला मैं नहीं कर पाऊंगा, आप लोगों को जो करना कीजिए। अच्छा, इसे लेके जाओ, ऐसी जगह बंद करो ना वहां किसी को देख पाए और ना कि किसी को सुन पाए। हरि सिंह कहाँ है? हमें बहुत दिनों से हवेली में नहीं दिख रहे, वो कहाँ गए हैं? क्या वो जानते हैं या कुछ हो रहा है? बाबा, बाबा! कसम खाई थी ना तुम निशिगंधा को कैद करने के बाद ही अपने बाप की चिता को आग दूं? कसम तो पूरी ही नहीं हुई। कैसे बताऊं मां साहब, निशिगंधा ने बाबा को मार दिया, कोई नहीं मारेगा। दिया कुछ पूछ रहे हैं, हम तुमसे जवाब दो ना। बाबा यहाँ नहीं है मासा, कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। अब वही उसी तहखाने में मर जाओगी तुम मेरी प्यारी सौतन।
निशी, निशी, कहाँ थी तुम? वो माँ कब से इंतजार कर रही है पहली रसोई के लिए? पहली रसोई? ये क्या होता है? क्या भाभी सा, हल्दी मेहंदी शादी इन सभी रस्मों के बारे में आपको अच्छे से पता था, तो फिर इस रस्म के बारे में कैसे कुछ नहीं पता? क्योंकि इन 208 सालों में एक भी पति सुहागरात के अगले दिन जिंदा नहीं बचा, इसलिए उसके बाद की कोई रस्म मैंने निभाई नहीं। बस नहीं पता, ननन तो भाभी की हेल्प करती ही है, करोगी ना? अरे निशी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। जब बहू पहली बार रसोई में जाती है तो पहली बार खीर बनाती है, गौ माता की पूजा करनी पड़ती है और उन्हीं गौ माता के दूध से खीर बनती है। इस गाय को तो मेरा चुड़ैल रूप दिख जाएगा, अब क्या करूं? बाकी जूही है, ये लोग सब तुम्हारी हेल्प कर लेंगे, डोंट वरी। चलो मुसीबत खुद अपने साथ हल लेके आती है, इन जगह को ही बचा के काम में ले लो। तो पूजा शुरू करते हैं। आनंदम वासुकी शेषम। गौ माता के कदम पड़ गए हैं। गाय काली शक्तियों भूत प्रेत आत्माओं को देख सकती है। संभाल इनसे ऋषि, हटो हटो हटो। रुको रुको, अरे गोपाल रे कोई रोको से, अरे सब हट जाइए हट जाइए, हटिए वहां से। ऋषि ऋषि संभालो अपने आप को, ऋषि ऋषि पीछे देखो, ऋषि ध्यान से ऋषि 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 ध्यान से, अरे ऋषि 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 अरे ध्यान से बचो। निशी, मोक्ष क्या कर रहे हो? मोक्ष पीछे हटो, पीछे आओ, पीछे संभाल के। क्या कर रहे हो? रुको, क्या हो गई? Oh,
मेरी नात। फर्श पे पांव मत रखना, दिया ने गोमूत्र से साफ किया है, पांव रखा तो जल जाओगी, छत पे चले जाओ, बस वही एक जगह है जो गोमूत्र से अछूती है। मुझे कुछ भी करके अपनी नथ हासिल करनी होगी, वरना मेरे 208 सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। उस साधारण लड़की दिया से ये सुहागन चुड़ैल कभी नहीं हार सकती।